नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैसिव वॉइस की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने समझा था कि पैसिव वॉइस क्या होती है और एक्टिव वॉइस क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पैसिव वॉइस के सारे लेक्चर उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप पहले पहला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और तो और यहाँ वीडियो छोटे से छोटा बनाने का प्रयास करूँगा। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि पहला सेंटेंस होता है, जिसे तीन नामों से जाना जाता है, अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव, उसका अध्ययन हम पहले करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है उसका रूल क्या होता है, और उस रूल के बारे में बात करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने टेंसेस का अध्ययन अच्छी तरह से किया हो। ठीक है, दो बातें आपको पहले कर लेना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला काम, आप टेंसेस का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की टेंस की प्लेलिस्ट से टेंस का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए टेंसेस का आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, रूल होता है इसका कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखें, फिर इज़, एम, आर, तीनों में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। कुछ लोग इसे बाई सब्जेक्ट लिखाने के बाद अदर वर्ड लिखाते हैं, यानी उसे ऐसे लिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखवा के फिर फुल स्टॉप करवाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से लिखें, ज़्यादा आसान तरीका ये वर्ड होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता सिंग्स आ शॉन्ग, और ये फुल स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि ये वाक्य हमारा जो है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, और इसे अब हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ना, आपको टेंसेस आने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको वाक्य दिया रहेगा और आप उस वाक्य को पहचान कर आपको उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो ये वाक्य है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पी वी यानी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ शॉन्ग, तो ये हो गया अ शॉन्ग। फिर इज एम आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। मैंने टेंसेस में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि इज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ। यहाँ पे अ शॉन्ग अकेला है, केवल एक ही गीत गा रही है, तो इज लगेगा, अ शॉन्ग इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब सिंग, सिंग सैंग संग होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शंग। फिर अदर वर्ड कुछ नहीं है, तो बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा सीता, और ये लग जाएगा फुल स्टॉप। तो अ सॉन्ग इज संग बाई सीता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आपको लिख लेनी है कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम कैसे चेंज करते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई है तो हम बाई के बाद जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो आई को हम मी लिख देते हैं, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इसी तरह का ले लेते हैं कि ही ईट्स फूड, वह भोजन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे होगा, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो पी वी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड इज एम आर, तो भाई जाहिर सी बात है ये फूड जो है यहाँ पे अकेला है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, फूड इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन हो जाएगा, ईटन हो गया, और फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, तो हम क्या करेंगे, ही को लिख देंगे हिम, यानी ही चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से सी होता तो हर हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, ठीक है, यू होता तो यू ही रहता, वी होता तो अस हो जाता, दे होता यहाँ पर तो देम हो जाता, इस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप उन्हें अपने से हल करें। तो ये कुछ वाक्य हैं जिन्हें आपको स्वयं से हल करना है कि मदर रीड्स अ बुक, फादर राइट्स लेटर, टीचर टीच्स मैथ, राम बीट्स मधु। देखिए इसका बीट्स का हो जाएगा बीटेन, बीटेन, ठीक है, बीट बीट बीटेन होता है। तो मधु राम बीट्स मधु और वी प्ले क्रिकेट। तो ये सारे वाक्य आपको स्वयं से हल करने हैं। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस अगर देखें तो निगेटिव में कुछ नहीं होगा, ई जे एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि ऑब्जेक्ट प्लस ई जे एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपने टेंसेस का अच्छे से अध्ययन किया है। नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ कि टेंस की प्लेलिस्ट में जाके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और फिर इस वीडियो पर आइए। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी एक वाक्य लिखा कि मदर रीड्स अ बुक, चलिए इसे चेंज कर देते हैं कि मदर डज नॉट रीड्स अ बुक, और ये हो गया फुल स्टॉप। माता जी एक किताब नहीं पढ़ती हैं, इसकी हिंदी होगी। ठीक है, तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हुआ अगर, तो पी वी यानी पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट अ बुक, तो हम लिखेंगे अ बुक, फिर इज लगेगा इज, फिर नॉट लगेगा, कभी भी रूल नहीं छोड़ना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का रीड्स ही रहता है यानी वही रहता है, तो रीड, अदर वर्ड कुछ है नहीं। बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मदर, तो यहाँ पे एम ओ टी एच ई आर, और ये लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो अ बुक इज़ नॉट रेड बाई मदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक अ रिंग, सुनार अंगूठी नहीं बनाता है। तो ये कैसा होगा, ये भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो अरिंग, अरिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हो गया पी वी अ रिंग, फिर एज, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक का इसका मेड हो जाएगा मेड, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, सब्जेक्ट क्या है, गोल्ड स्मिथ, तो ये हो गया गोल्ड स्मिथ, तो अ रिंग इज़ नॉट मेड बाई गोल्ड स्मिथ, और ये फुल स्टॉप। कुछ होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क है कि वी डू नॉट रीड आवर बुक, ही डज नॉट ईट्स एन एप्पल, ठीक है, और मधु एंड सुधा डू नॉट टीच रामू, मधु और सुधा रामू को नहीं पढ़ाती हैं, वह एक सेब नहीं खाता है और हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। स्वयं से कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, ठीक है, रूल बनाते हैं पहले। तो इसका रूल होता है कि इज एम आर, सॉरी, ये ए भी कैपिटल में होगा और ये वाला ए भी कैपिटल में होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला कि डज रामू ईट्स एन एप्पल ही ले लेते हैं, आपको आसानी होगी, तो ए डबल पी एल ई क्वेश्चन मार्क। तो डज रामू ईट्स एन एप्पल, क्या रामू एक सेब खाता है, तो इसका कैसे होगा, सबसे पहले पी वी इज एम आर, किसको देखते हुए, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल यानी एक सेब है, तो इज, फिर ऑब्जेक्ट तो एन एप्पल, फिर नॉट तब लगाना है जब इसमें कहीं पर भी नहीं शब्द हो, यानी नॉट इसमें अगर कहीं पर है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है या फिर नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे हम करते थे अपने टेंसेस वाले सेंटेंसेस को कि अगर नॉट दिख जाता था यानी नहीं दिख जाता था तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते थे, और इस वाक्य में देखिए यहाँ पर भी कहीं पर नॉट नहीं है इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे।
तो इज एन एप्पल वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट्स यानी ईट, एट ईटन, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रामू, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इज एन एप्पल ईटन बाय रामू। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था उसी का लेता हूँ कि डज, चलिए इसको डू करते हैं, डू वी नॉट रीड आवर बुक, और ये क्वेश्चन मार्क। तो डू वी नॉट रीड आवर बुक, क्या हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं? तो ये पीवी यानी पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है आवर बुक। अब यहाँ पे आवर बुक्स होता तो हमारी पुस्तकें हो जाता, लेकिन आवर बुक का मतलब है कि यहाँ पे कोई केवल एक ही पुस्तक है, तो इसका मतलब एक ही पुस्तक है, तो हम लिखेंगे आवर बुक। अब एक पुस्तक के लिए एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट तब लगाना है जब इसमें कहीं पर नहीं शब्द हो यानी नॉट हो, तो यहाँ पे नॉट था तो हम भी नॉट लगा देंगे। इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही रहेगा, बस उच्चारण बदल जाता है। और फिर अदर वर्ड में कुछ है, अदर वर्ड में कुछ नहीं है, तो बाई और वी, और हमारा सब्जेक्ट वी है ना, तो वी का हो जाता है अस, और ये क्वेश्चन मार्क। तो आवर बुक इज़ नॉट रीड बाई अस। होमवर्क देता हूँ, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू वी नॉट रीड रामायण, क्या हम रामायण नहीं पढ़ते हैं? डच सी प्ले लूडो, क्या वह लूडो खेलती है? डू राम एंड श्याम नॉट बीट सुमित एंड राहुल, क्या राम और श्याम सुमित और राहुल को नहीं पीटते हैं? अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड की ओर, तो हम लिखेंगे आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, और ये सेंटेंस और ये सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड का अध्ययन करने चल रहे हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे इज एम आर के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है बस, बाकी सारा रूल सेम ही रहेगा। तो रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए कोई एक वाक्य ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वाक्य जो दिया जाएगा वो एक्टिव वॉइस का रहेगा और उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो चलिए एक वाक्य लेते हैं कि वाई डू आई प्ले लूडो ही कर देते हैं या फिर क्रिकेट कर देते हैं, चलिए कुछ भी कर देते हैं, क्रिकेट इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। वाई डू आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैं मैदान में क्रिकेट क्यों खेलता हूँ? वाक्य को बड़ा किया है, इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद मैंने इस वाक्य को बड़ा किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? देखिए इसे हम पीवी में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तरीका समझिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट से ज़्यादातर प्रश्न पूछने के चांसेस होते हैं, तो इस पर अच्छे से प्रयास कीजिएगा। मॉडल पेपर सॉल्व करवाते वक्त मैं और ज़्यादा डीपली पढ़ाऊँगा इसे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे कि वाई है तो वाई लिख देंगे, इज एम आर, इन तीनों का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इन द फील्ड, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट अकेला यानी क्रिकेट के लिए इज यूज होगा, वाई इज क्रिकेट, क्रिकेट, तो वाई इज क्रिकेट। फिर नॉट तब लगाना है जब यहाँ पर कहीं पर नॉट हो, तो डू नॉट यानी कोई ऐसा वर्ड नहीं है यानी नॉट नहीं है, तो हमें नॉट को छोड़ देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले का होता है प्लेड ना। अब अदर वर्ड, भैया ध्यान से समझना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह से पढ़ाते हैं, कुछ अध्यापक, तरीका गलत नहीं होता, बस समझने का तरीका समझिएगा, कुछ अध्यापक क्या करते हैं कि अदर वर्ड को लास्ट में रखते हैं, यानी यहाँ बाई सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और अदर वर्ड को बाद में लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अदर वर्ड को पहले लिखते हैं और फिर बाई सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है? गलत नहीं है कहीं से भी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले अदर वर्ड को लिख लेंगे, यानी इन द फील्ड, ये हमारा अदर वर्ड है, तो हम लिख लेंगे इन द फील्ड, फिर उसके बाद बाई, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, तो आई का हो जाएगा मी, और ये क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझ में आई बात? अदर वर्ड वाले वाक्य को क्या करना है कि बाई सब्जेक्ट के पहले ही हमें अदर वर्ड को लिखना है,
ठीक है, आप बाद में भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, गलती नहीं होगी, लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का यह है कि मैं अदर वर्ड को बाई सब्जेक्ट के पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वाई डू आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैं मैदान में क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, तो इसका होगा वाई इज़ क्रिकेट प्लेड इन द फील्ड बाई मी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट में, जैसे वेन डू यू रीड मैथ, ये थोड़ा सा दूसरा वाक्य ले लेते हैं, इसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये अभी आपके लिए हार्ड हो जाएगा समझाने का तरीका। तो वाई डज़ मधु नॉट रीड हिंदी, यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा था, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन वो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा, ताकि आपको ताज़ा ताज़ा याद रहे और आसानी से आप बोर्ड एग्ज़ाम में कर सकें। तो वाई डज़ मधु नॉट रीड हिंदी, मधु हिंदी क्यों नहीं पढ़ती है, तो ये हो जाएगा इसका पी वी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे वाई है, फिर से तो वाई लिख देंगे, फिर इज एम आर ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो वाई हिंदी, अब हिंदी एक सब्जेक्ट है तो इज, फिर नॉट सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं, सॉरी गलती हो गई हमसे, वाई के बाद इज एम आर इज लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट है हमारा हिंदी, अब उसके बाद नॉट, तब जब यहाँ पे कहीं पे नॉट हो तो नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही रहता है, बस उच्चारण बदल जाता है, रीड, और अदर वर्ड कुछ है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मधु, तो यह हो जाएगा मधु, यहाँ पे ये यम में हो, ये कैपिटल होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी यम कैपिटल है, और ये क्वेश्चन मार्क, तो वाई इज हिंदी नॉट रीड बाई मधु। होमवर्क देता हूँ, स्वयं से कीजिएगा, तो सारे सेंटेंसेस लगभग सेम ही हैं, जो मैंने पढ़ाया है वही दे दिया है कि वाई डू यू ईट एन एप्पल डेली, वाई डज टीचर नॉट टीच मैथ, वाई डज सी नॉट बीट सीता, बीट है ये, पीटना, बीट का मतलब होता है पीटना, BEAT, वाई डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ये मैंने बताया है, और इसे आपको कमेंट भी करना है, ये लास्ट वाला वाक्य आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप किस तरह से हल कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे अपनी।